जय हिंद। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए। आज हम आपको बताएंगे वो क्या बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है और उनका क्या नाम है, और ये जो एक कर्क रेखा से इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट में यानी हर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मानो ऊपर लिख देते पहले कर्क रेखा, आज का चैप्टर यानी टॉपिक है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा जैसे मानो है कोई पृथ्वी, है ना। ये पृथ्वी पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा निकलती है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा निकलती है उसे भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है हमारी कर्क रेखा। यहाँ पर जो रेखा निकलती है इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ये भूमध्य रेखा, भारत ओ पृथ्वी को यानी दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है और यहीं पर हमारा भारत है। ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे ये छोटा सा ये भारत है, ऐसे भारत है, ऐसे उसके बीच से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी सबसे आसान तरीका याद करने की ट्रिक है, जो ट्रिक क्या है और देखते हैं। ट्रिक जो बनाए हैं हम, ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। माँ से अपनी ये जो मी है इससे हो गया मिजोरम, इससे त्रिपुरा, इससे पश्चिम बंगाल, इससे राज्य स्थान, गा से गुजरात। नोट करिए कितना आसान था ऐसे तरीके से। मा से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ से यहां लिख लीजिए 36 गढ़, और झार इससे झारखंड, यह है भारत के 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान ओ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।